दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी बीमारी के बारे में सुना है जो लोगों की जान बचाती है? और क्या आपने कभी इस डेंजरस क्रिएचर को देखा है? और क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी हैकिंग किसने की थी और उसने क्या हैक किया था? तो बैठो और अपनी कुर्सी को कस लो, क्योंकि इस एपिसोड में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। गाइस, स्क्रीन पर ये फोटो चल रही है, देखो ये क्या है। आपको विश्वास नहीं होगा जब मैं आपको इसकी सच्चाई बताऊंगा। आपके पास 3 सेकंड है, बताओ मुझे ये क्या है। 1, 2, 3। देखने में तो ये लग रहा है कि 3 सांप अपने आप को पेड़ में से बाहर निकाल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको भी ये लग रहा है तो आप भी मेरी तरह वहम का शिकार हो चुके हो। लेकिन ये कोई सांप नहीं है, ये एक तरह की बटरफ्लाई है, तितली, जिसे एटलस मॉथ कहते हैं। और जिसे आप सांप समझ रहे हो वो इसके पंख हैं, जो कि 10 इंच तक लंबे हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि ये तितली अपने पंखों का इस्तेमाल शिकारियों को डराने के लिए करती है। स्टार्ट। एक ऐसी बीमारी जो लोगों की जान बचाती है। वैसे ये झूठ तो नहीं है, झूठ है भी। गाइस, एक ऐसा सिंड्रोम जो लोगों की जान के लिए नहीं बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए मशहूर है, सिंड्रोम के। अब आप ये पूछोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, इस बीमारी ने लोगों की जान कैसे बचाई। दोस्तों, ये बीमारी जानलेवा तो थी, पर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में, जिसे इटली के एक हॉस्पिटल में ज्यूइश लोगों को नाजीस से बचाने के लिए इन्वेंट किया गया था। 1943 में इटली के एक अस्पताल में जब नाजीस ऑफिसर ने हॉस्पिटल पर रेड मारी, तो डॉक्टर्स ने ढेर सारे ज्यूइश लोगों को बचाने के लिए उन्हें एक आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया, यानी कि क्वारंटाइन कर दिया। और हॉस्पिटल वालों ने उन ऑफिसर को कहा कि इन ज्यूइश लोगों को बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो बहुत जल्दी फैलती है, और उनके नजदीक मत जाना, नहीं तो वो आपको भी हो जाएगी। इसे सुनकर सारे नाजीस ऑफिसर की हालत खराब हो गई, और डॉक्टरों ने नाजीस ऑफिसर से कहा, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, और नाजीस ऑफिसर वहां से चले गए, नहीं तो उन ज्यूइश लोगों को मार दिया जाना। इन इटालियन डॉक्टर्स ने बहुत सारे ज्यूइश लोगों की जान बचाई। हालांकि सिंड्रोम के नाम की कोई बीमारी एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक झूठ था, पर इससे जान तो जरूर बचाई। आपने ये वाली फोटो तो इंटरनेट पर बहुत देखी होगी, फेसबुक से लेकर के इंस्टाग्राम तक। मेरी भी नजर पड़ी है कुछ दिन पहले। मैंने सोचा थोड़ा सा ढंग से एक्सप्लेन करके जाऊं कि आखिर ये है क्या, और ये आपको भी चौंका देगी जिनको इसके बारे में नहीं पता। हालांकि 50% लोगों को इसके बारे में पता होगा। ये रही आपके सामने ये फोटो, तो स्क्रीन से निगाहें मत हटाना। अब मैं इसे अपसाइड डाउन करने वाला हूँ। अब अपनी पलकें झपकाओ, एक बार झपकाओ या फिर 2 बार झपका लो। क्या हुआ, सीढ़ियाँ सीधी हो गई? मैंने तो कोई एडिटिंग नहीं, चाहे तो वीडियो को पॉज करके फोन को उल्टा करके देख, हर बार सीढ़ियाँ सीधी हो जाएंगी। ऐसा क्यों होता है? गाइस, ये सब हमारा दिमाग करता है। एक्चुअली हमारा दिमाग कन्वीनियंटली तरीके से काम करना चाहता है, वो हारना नहीं चाहता। तो जहाँ पर भी हमारे दिमाग को मौका मिलता है वो अपने हिसाब से चीजों को ढंग से देखना चाहता है। अगर हमारे दिमाग को विजुअली चैलेंज जॉब दे दी जाए तो हमारा दिमाग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी अजम्पशन बनाए। इसीलिए सीढ़ी वाले केस में पलक झपकते ही सीढ़ियाँ फिर से ऊपर की ओर दिखाई देती, क्योंकि लॉजिकली सीधी सीढ़ियाँ परसीव करना हमारे दिमाग के लिए आसान है। दोस्तों, अब मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े हैकर के बारे में बताऊंगा। तो इसका नाम है जोनाथन जेम्स। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक हैकर माना जाता है। बता देना चाहता हूँ कि इसने ऐसा काम किया था जिसे देखकर नासा भी हैरान रह गए थे। एक खबर के मुताबिक जोनाथन ने अमेरिका की सरकार के डेटाबेस तक पहुंच के नासा के नेटवर्क से अंतरिक्ष स्टेशन की सारी जानकारी निकाली, जिसके बाद नासा को अपना नेटवर्क 3 हफ्तों के लिए बंद करना पड़ा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। ओवर एंड आउट।